शांति। आज की तारीख है 13/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए प्रश्न है। अभी नए जाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? उत्तर है, नए जाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाता है। यहाँ भी तुम्हारे नए जाड़ का जो कलम लग रहा है उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद यदि नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे माया से बचने के लिए, बाबा कहते हैं मुख में मुलेड़ा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भले करो लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो, यही है मेहनत। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। नंबर दो, नई दुनिया के लिए पाप जो बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए परमपिता परमात्मा बाप जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपको चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं, दुनिया वालों को तो सिर्फ विनाश ही दिखाई देता, इसीलिए बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कि ये अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्मा तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत, और उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। स्लोगन है, न्यारे और प्यारे होकर हर कर्म को करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।